हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। और एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 21 फरवरी से खेला जाएगा। दो टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। यानी कि जो भी टीम इस सीरीज को जीतेगी वो और भी ज्यादा रैंकिंग के मामले में ताकतवर हो जाएगी। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड की कोशिश यही होगी कि टेस्ट सीरीज जीतकर ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सके। न्यूजीलैंड दौरे पर आई टीम इंडिया यहां अपने आखिरी अभियान की तैयारी में जुटी हुई है। T20 और वनडे सीरीज के बाद अब दोनों टीमों को दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली न्यूजीलैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली जैसे ही एक शतक लगाएंगे उनके नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। एक शतक के साथ ही विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ने वाले पहले एशियाई कप्तान बन जाएंगे। इन चारों देशों को सेना देश भी कहा जाता है। अभी तक कोई भी एशियाई कप्तान टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कारनामा नहीं कर सका है। ऐसे में विराट कोहली के पास एक खास रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है। फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के नाम 84 मैचों की 141 पारियों में 7202 रन और 27 शतक दर्ज हैं। भारत और न्यूजीलैंड की कोशिश यही होगी कि टेस्ट सीरीज को जीतकर ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल किए जाएं और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। न्यूजीलैंड के दौरे पर गई टीम इंडिया ने कीवी टीम को 5 मैचों की T20 सीरीज में 5-0 से रौंदा था, जिसके बाद कीवियों ने T20 का बदला लेते हुए भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से धूल चटाई थी। अब दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो टेस्ट सीरीज जीतकर इस सीरीज का अंत करें। न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश लौट आएगी, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आएगी। दक्षिण अफ्रीका को यहां भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली ये वनडे सीरीज 12 मार्च से शुरू हो रही है जो 18 मार्च तक चलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 फरवरी से वेलिंगटन में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में 29 फरवरी से खेला जाएगा। भारत की कोशिश यही रहेगी कि टेस्ट सीरीज को अपने कब्जे में किया जाए। इस टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद टीम इंडिया वापस भारत लौट आएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।